लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सीधा रुख करते हैं पूर्वी चंपारण प्रखंड तुरकौलिया के शंकर सरैया दक्षिणी पंचायत का, जहां 25 वर्षों से बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को स्थानीय मुखिया एजाज अहमद के भागीरथ प्रयास एवं मेहनत से आज चालू कर दिया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी पिंटू कुमार, थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार, CHC प्रभारी नागेंद्र कुमार, कामगार कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतेंद्र नाथ तिवारी, स्थानीय मुखिया एजाज अहमद ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर रामायण सिंह, भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद गफ्फार, मौजम आलम सहित सैकड़ों ग्रामीण जनता एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता दयाकांत गिरी ने स्थानीय मुखिया एजाज अहमद से ये जानना चाहा कि आखिर आपके मन में यह विचार कैसे आया। तो स्थानीय मुखिया एजाज अहमद ने बताया कि जनता से जो चुनाव के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य के ऊपर जो हमने वादे किए हैं वही वादा निभा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी का, जिन्होंने मेरी बात को इतनी गंभीरता से लिया और इतने दिनों से बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू करने का आदेश दिया। अब अगला पड़ाव हमारे पंचायत शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण पर है। जो भी शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुँचते वह अपनी आदत सुधार लें। यदि वो लोग अपने आदत से बाज नहीं आते हैं तो ऐसे शिक्षकों को प्रति वरीय पदाधिकारियों का लिखना मेरी बाध्यता होगी। कामगार कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि महागठबंधन सरकार की प्राथमिकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है, जिसे वार्ड स्तर तक उतरने के लिए सरकारी पदाधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर उप स्वास्थ्य केंद्र का दृश्य। R9 भारत से दयाकांत गिरी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। नमस्कार, मैं दयाकांत गिरी, R9 भारत टीवी। अभी मैं तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत शंकर सरैया उप स्वास्थ्य केंद्र के जीरो ग्राउंड पर उपस्थित हूँ, जहाँ 25 वर्षों से जर्जर स्थिति में ये उप स्वास्थ्य केंद्र था। यहाँ के स्थानीय मुखिया एजाज अहमद के द्वारा इसे बहुत अच्छे तरह से यानी सजाया गया है और इनका आभार व्यक्त करते हैं यहाँ के स्थानीय जनता, जिन्होंने यह सराहनीय काम किया है। यहाँ सातों दिन ANM डॉक्टर बैठेंगे और OPD चालू रहेगा, जिनका इलाज होगा। नमस्कार। थे पूरा प्रयास किया गया तब आपके यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होता है तो CHO का परमानेंट पोस्टिंग हो गया है। ये मैडम अब रोज आएगी, रोज OPD देखेगी, NCD देखेगी, कोई भी इमरजेंसी होता है बगल में PSC है उसके लिए PSC जाना है, बाकी OPD NCD यहाँ पे चलेगा, सारा दवा का व्यवस्था है। ठीक है सर, नमस्कार सर। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी का और हमारे तुरकौलिया प्रखंड विकास पदाधिकारी का, जो हमने गुहार लगाया और हमारे बातों को सुना गया। आज 27 साल से बंद उप स्वास्थ्य केंद्र का फिर से दोबारा संचालन शुरू हुआ है और हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र पे प्रभारी द्वारा एक MBBS डॉक्टर का डिपोटेशन हुआ है, जो सप्ताह में 7 दिन पर डे OPD चलेगा। हमारे पंचायत के लोगों को अब MBBS डॉक्टर के लिए जिला में जाना नहीं पड़ेगा। ये जो आपने उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया है, इसमें ये ऊपर जब इसको पुनः जो गठन करने में आपको परेशानियाँ किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? देखिए, मैं चुनावी दौर में ही आप ही के चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत फोकस किया था और लोगों ने मुझे सम्मानित किया। मैंने वादा किया था कि मैं अपने पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था बढ़िया तरीके से कराऊंगा और 27 साल से कागज में चल रहा था ये उप स्वास्थ्य केंद्र, किसी भी प्रतिनिधि को कोई ध्यान नहीं था और हमने लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया और मैं इस पंचायत का मुखिया बना और मैंने प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा CS साहब को, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रखंड के चिकित्सा पदक अधिकारी को, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विकास प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जो हमने उनके पास प्रपोजल रखा और हमारे प्रपोजल को सुना गया और हमारे पंचायत में फिर से एक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया। मैं चुनावी दौर में जो जो वादा किया था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, मैं एक एक करके पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। चुनावी एजेंडा में मेरा था एक एम्बुलेंस अपने पंचायत में डिपोट करना। फिलहाल हमारे प्रखंड में जो एम्बुलेंस है, नंबर है हमारे पंचायत में, लोग अगर ज़रूरत है तो फ़ोन करेंगे, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगा।
लेकिन मैंने वादा किया था कि अपने पंचायत में मैं अपने एक निजी कोष से एम्बुलेंस का व्यवस्था करूंगा जी। तो मैं एम्बुलेंस बनवा रहा हूं, बहुत जल्द मैं अपने पंचायत के लोगों को एम्बुलेंस देने जा रहा हूं जो मेरे निजी कोष से हो। इसी उप स्वास्थ्य केंद्र पे एम्बुलेंस खड़ा रहेगा जिस मरीज को स्वस्थ नहीं था, लेकिन मुखिया जी वादा किए थे और वादा पर खड़े भी उतरे, इसके लिए मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के गरीबों को सुविधा मिलेगा, तुरकौलिया और मोतिहारी नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे दवा और सब डॉक्टर सब उपलब्ध है, इसमें ग्रामीणों को बहुत खुशी है और मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों का काम हो रहा है। पहले भी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था क्या, ऐसी व्यवस्थाएँ पहले थी? पहले तो खुला हुआ था, फिर बंद हो गया बीच में, उसके बाद अभी मुखिया जी 22 साल से बंद था, अभी बहुत मेहनत की है, उसके बाद शुरू हुआ है, अच्छा होगा सबके लिए, बढ़िया लोगों में उत्साह देखने को बहुत अच्छा है, खुशी है, सब कोई खुश है, अच्छा हो रहा है काम। बना है सर तो इसके इसमें लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिला? इतने हम सभी में बहुत खुशी का माहौल है, इसलिए है कि अभी पहले तुरकौलिया जाना पड़ता था, मोतिहारी जाना पड़ता था, अभी सभी पंचायत वासी जो भी है तो अब यहीं पे आके अपना इलाज करवाएंगे। सब सभी में बहुत खुशी का माहौल, बहुत अच्छा लगता है। नाम और चिन्हित करके उनको पीएससी पे भेजना, उनका प्रॉपर मेडिकेशन करवाना, जिनको जैसे टीवी का मरीज होगा तो उनके लिए प्रॉपर मेडिकेशन बहुत जरूरी होता है, या फिर हाँ उनको कैसे रहना है, कैसे क्योर करना है, ये सारी चीज़ें जरूरी होती है तो इन सब चीज़ों के लिए है। या फिर नॉर्मल ओपीडी होगा जैसे कि खांसी जुकाम सर्दी या फिर दर्द या फिर जैसे डिलीवरी वाले पेशेंट हो तो उनको प्रिस्क्राइब करवाना, उनका डेली रूटीन जो हो गया क्या क्या करना है, उनको क्या क्या नहीं करना है, आयरन टैबलेट हो गया, फॉलिक एसिड टैबलेट हो गया, उनको कब लेना है, कैसे लेना है, कितने इंटरवल पे उनको आना है यहाँ पे चेकअप के लिए, ये सारी चीज़ें। और मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य जो है वो यहाँ पर उसका प्राथमिक रोग का उपचार जो है जल्दी से हो पाएगा, और बड़े डिजीज होते हैं तो उसके लिए कैसे यहाँ से कैसे बड़े डिजीज है, जैसे सबसे पहले तो हम पीएससी सीएससी है हमारा तुरकौलिया में, हम वहाँ रेफर करेंगे, अगर वो उनके हैंडल में होगा जैसे वो उसे हैंडल कर सके तो वो करते हैं, जैसे उनके हैंडल में नहीं हो तो फिर वो अपना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ केयर में या फिर वो सदर हॉस्पिटल में रेफर करेंगे। कितने डॉक्टर्स यहाँ पे अभी हैं? अभी तो फिलहाल मैं हूँ सीएसओ पूजा कुमारी, जो यहाँ पे ओपीडी ओपीडी करूँगी पेशेंट वगैरह को, जो नॉर्मल आउटडोर पेशेंट है उनका। और मेडिकल स्टाफ कितने हैं यहाँ पे? मेडिकल स्टाफ तो अभी फिलहाल एक एएनएम है, मैं हूँ, और सारे क्षेत्र की आशा वगैरह है, वो सारे मिलकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये हफ्ता में कितने दिन यहाँ सर्विस मिलेगी? सातों दिन मिलेगी, 24 आवर। हाँ जी, 24 आवर नहीं, जैसे कि शेड्यूल होता है 8 to अभी 8 to 2 बजे तक चल रहा है ओपीडी, उसके बाद भी अगर मैं हूँ तो यहाँ पेशेंट आ सकते हैं, लेकिन ओपीडी का टाइमिंग है 8 to 2 बजे तक, जैसे डे होगा तो 10 to 4 बजे तक। और किसी मरीज को रात्रि में अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए तो पीएससी नजदीक है ना, यहाँ पीएससी जाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध होगी क्या? इमरजेंसी केयर उपलब्ध नहीं है, जैसे ओपीडी पेशेंट आते हैं उनके लिए सुविधा है, इमरजेंसी में है जैसे मेरे से हो सकता है हैंडल, जैसे कुछ नॉर्मल चीजें है तो वो हो जाएगा, और ना तो फिर पीएससी नजदीक है, 24 घंटे की सेवा। ठीक है, नमस्कार।